ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात लिख लेने योग्य बात है। भगवान श्री राम कैसे हैं? विज्ञातार्थ विभागवित। जो विज्ञातार्थ विभागवित होता है वही सुखी रहता है। आप लोग कहें हम समझे नहीं, विज्ञातार्थ विभागवित, अरे कोई अंग्रेजी थोड़ी बोले, अपनी हम लोगों के हमारे पूर्वजों की मूल भाषा है उसी को तो हम बोल रहे हैं। विज्ञातार्थ, विज्ञात माने जान लिया गया है, अर्थ का विभाग जिसके द्वारा, माने आपके पास जो कुछ संपत्ति है, धन है, अर्थ है, उसका आप यदि ठीक से विभाजन करना आपको आता है कि कितने धन का, कितने धन के कितने अंश का किस कार्य में हमें प्रयोग करना चाहिए, यदि आप यह बात समझते हैं तो कोरोना नहीं, कोरोना का बाप चला आवे तो भी आपको घाटा नहीं होगा। सब दिन होत ना एक समान, सारा समय एक जैसा तो होगा नहीं, पर नीचा उन्हें देखना पड़ता है, दुखी उन्हें होना पड़ता है जो विज्ञातार्थ विभागवित नहीं होते हैं। आपके पास जो धन है उसके आप ठीक ठीक उपयोग करना जानो, उसके हिस्से कर दो। ये विज्ञातार्थ विभागवित की बहुत अच्छी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। ये है तो राम जी का विशेषण, पर इसकी सुंदर व्याख्या भागवत में की गई है अष्टम स्कंध में 19वें अध्याय में। ये बात आई है शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी करें विज्ञातार्थ विभागवित के बारे में समझा रहे हैं। धर्माय यशशेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र च मोदते। इतना बढ़िया श्लोक है, घर घर में लिखा देने लायक श्लोक है। हर व्यक्ति को अपने अपने धन के, अपनी संपत्ति के पांच हिस्से करने चाहिए। आपकी जो आय है उस आय के आप पांच हिस्से करो। अच्छा, एक बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 ही आपकी पूंजी है, उसके आप पांच भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? दो सौ रुपये, 2 × 5 = 10 होगा, 200 रुपये में भाग करेंगे तो 1000 रुपये आपकी आय है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें से 200 रुपये तो केवल धर्म के लिए हैं। किसके लिए हैं? तो आप कितना बचा आपके पास? यदि 1000 की आय है तो आप अपनी आय 1000 की मत समझो, आप समझो हमारे पास तो 800 रुपये हैं, क्योंकि जो 200 हैं वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो अच्छे काम के लिए हैं, धर्म के काम के लिए हैं। पहला अंश है धर्म आय, दूसरा अंश है यशसे, दूसरा अंश जो धन का है उसको यश के लिए खर्च करना चाहिए, कीर्ति के लिए, क्योंकि कीर्तिर यस्य सा जीवति, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। धर्माय यशसे, यश के लिए कितने हो गए? अब 600 बचे। अब फिर उसमें से एक अंश आपको अर्थ के लिए रखना है। अर्थ, अर्थ माने वापस व्यापार में लगाने के लिए। अब कितने बचे? अब 400 बचे हैं? 400 बच गए। चलो भैया, आप लोग तो कम से कम इनमें सब व्यापारी बैसे हैं, आप लोगों को तो भ्रम नहीं होना चाहिए, हमें गिनती याद ना रहे तो कोई बात नहीं, सब ठीक। उनके लिए 400 ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया बात।
स्वार्थ के लिए और एक अंश काम। जब कोई ऐसी विशेष शिक्षा आपके मन में उत्पन्न हो गई कि हमको यहां ये काम करना है और पैसा आपके पास है नहीं, आप क्या करोगे? और जरूरत पड़ने पर किसी ने नहीं दिया तो इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए एक अंश रखो, एक अंश अपने सगे संबंधियों के लिए रखो। परिवार में, नाते रिश्तेदार में आवश्यकता पड़ेगी किससे मांगोगे, उनके लिए एक रसो रखो। अब देखो धर्म का पैसा जो है वो तो धर्म में लग गया, यश का पैसा यश में लग गया, अब अर्थ, अब एक अंश धन में लगाया, अर्थ के लिए अर्थ, वो भी आपके पास रहा। हमेशा काम वाले धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी आपके ही पास रहा। स्वजनों वाले धन की भी हमेशा आवश्यकता नहीं पड़ती, रोज रोज ब्याह शादी थोड़ी होते हैं, नाते रिश्तेदारी में व्यवहार रोज रोज थोड़ी करना पड़ता, कभी कभार करना पड़ता है। तो वो सारा धन आपके ही पास रहा, केवल इसमें दो माने दो भाग, एक धर्म और एक यश, और यश वाला विभाग भी ऐसा है कि हमेशा आपको नहीं करना पड़ता, कभी कभार आपको जब कहीं अच्छा काम कोई समाज में हो रहा है और लोग कह रहे हैं हम इतना देंगे हम इतना देंगे, और उस समय आप सभा में बैठ करके सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठ जाओ और समाज सेवा के नाम पर इधर उधर बगल में झांकने लग जाओ तो लोग कहें बड़ा लीचड़ आदमी है, कहे का करोड़पति, बड़ा भारी दरिद्र है। अरे बताओ कुछ तो कहता, कम से कम कुछ भी नहीं बोला, ऐसा लोग कहेंगे कि नहीं? तो वहां तो कम से कम धार पे चढ़ जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं लोग। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, एक बार उनके पास संत समाज की बैठक हुई, बोले हम लोग कोई बड़ा काम करेंगे संत समाज में, तुम्हारा जी क्या करोगे? बोले चतुर संप्रदाय की परिषद है, विरक्त परिषद, चंदा करेंगे, आप बड़े बूढ़ो आप कितना चंदा दोगे? महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा पूरा चतुर संप्रदाय आप सब चंदा पहले इकट्ठा कर दो, आप सब कुल मिला के जितना चंदा दोगे उसका दुगना हमसे ले लो। क्या कहा? आपने चारों संप्रदाय सबने मिलके मान लो 1,00,000 रुपए इकट्ठा किया, हम 2,00,000 दे दें, लेकिन तुम भीख मत मांगो। महाराज जी बोले भीख मत मांगो, अच्छा काम करने लग जाओ, पैसा देने वालों की कमी नहीं है, आप अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, लोग अपने आप आपको सहयोग करेंगे। तो यह सरल बात यह है कि आपके पास यदि 20 रुपया हैं तो आप 25 रुपये का काम मत करो, यदि आपके पास पूंजी 20 रुपये की है तो आप 15 रुपये का ही काम करो, 5 रुपये अपने पास संकट के लिए बचा के रखो। होता आजकल क्या है, लोग अपनी सामर्थ्य से अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें फिर ब्याज लेते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं, फिर कई बार लोग जो है वो धूल झोंक कर भाग जाते हैं, दिवाला निकल जाता है, और फिर इसके बाद में भई यहाँ से तो तुम चतुराई से बच जाओगे लेकिन वहाँ बच नहीं सकते हो, इसलिए किसी का कर्ज खाकर मरना नहीं चाहिए। ये है 5 प्रकार से धन का विभाग, एक धर्म के लिए, एक यश के लिए, एक अर्थ के लिए, एक कामना की पूर्ति के लिए, एक अपने सगे संबंधियों के लिए। इस 5 प्रकार से आप धन का हिस्सा करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम में चलेंगे तो आपके ऊपर कभी अर्थ संकट आएगा नहीं। बोले नहीं नहीं हमको तो ज़्यादा खर्च करना है तो आफत आएगी। तेते पाँव पसारिए जेती लामी सौर, पुरानी कहावत है जितनी लामी सौर हो उतने ही पैर फैलाओ, नहीं तो कुछ उघारे रह जाएंगे, ये ठीक नहीं है।